ऑकलैंड के इडन पार्क में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड से 22 रनों से हारने के बाद टीम इंडिया के हौसले पूरे तरीके से पस्त हो गए। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने टीम इंडिया के गेंदबाजों की जमकर आलोचना की। न्यूजीलैंड को T20 में 5-0 से हराने के बाद भारत पहले दोनों वनडे हार कर सीरीज गंवा चुका है। तीसरा वनडे मंगलवार 11 फरवरी को माउंट मानगुई में खेला जाना है। ऑकलैंड में दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 273 रन बनाए। मार्टिन गप्टिल के 79 और रॉस टेलर के नाबाद 73 रनों की एक बेहतरीन पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया था। न्यूजीलैंड ने अच्छी शुरुआत करते हुए एक शानदार साझेदारी की। बाद में न्यूजीलैंड की 6 विकेट महज 45 रनों के अंदर गिर गए, इनमें से 2 रन आउट थे। न्यूजीलैंड का स्कोर एक समय 7 विकेट पर 187 रन था। टिम साउदी भी जल्द आउट हो गए। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों पर उतना ज़्यादा दबाव तो नहीं था, लेकिन शोएब अख्तर ने भारतीय गेंदबाजों पर दोष डालते हुए कहा कि भारत को इस सबक मिलना ही था। खिलाड़ी द्वारा इतने खराब प्रदर्शन के बाद आप वनडे नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि भारत विकेट लेने वाले स्ट्राइक गेंदबाज को मिस कर रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि किसी के पास रॉस टेलर का जवाब नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भारत ने इस तरह मैच को अपने हाथों से क्यों फिसल जाने दिया। मैं लगातार कह रहा हूँ कि भारत के पास स्ट्राइक गेंदबाज नहीं थे। कुलदीप की जगह चहल खेल रहे थे, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद भारत ऐसे गेंदबाज को मिस करता रहा जो जरूरत पड़ने पर विकेट ले सके। आपको बता दें कि भारत ने शमी की जगह नवदीप सैनी को, कुलदीप यादव की जगह चहल को प्लेइंग 11 में शामिल किया। चहल ने 3 विकेट झटके थे और जडेजा ने इकोनॉमिकल गेंदबाजी की, उन्होंने केवल 35 रन देकर 1 विकेट लिया। रनों का पीछा करते हुए भारत कभी भी सहज नहीं दिखा। जडेजा और सैनी के बीच अच्छी साझेदारी हुई। सैनी ने 49 गेंदों में 45 रन और जडेजा ने 55 रनों की पारी खेली। भारत ये मैच 22 रन से हार गया। शोएब अख्तर ने कहा कि टीम इंडिया बिल्कुल औसत टीम लग रही थी। टीम इंडिया को अपना कैरेक्टर दिखाना होगा। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।